भारत वर्सेस अफगानिस्तान के दूसरे T20 के मुकाबले में विराट कोहली और रिंकू सिंह, रोहित शर्मा का आया तूफान। ऐसी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मचाया कहर कि यहां पर रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी और दुबे ने तो यहां पर आप सभी को बता दें कि 72 रन ठोक डाले, जहां पर रिंकू सिंह ने अपनी शतकीय पारी खेल डाली और विराट कोहली, रोहित शर्मा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैदान पर ऐसा कहर बरसाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर अफगानिस्तान कांप उठा और अफगानिस्तान के घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रिंकू सिंह के आगे पानी भरते हुए नजर आए, क्योंकि रिंकू सिंह वो बल्लेबाज है जिसने सबसे ज्यादा T20 के मुकाबले में रन बनाए और दूसरे मुकाबले में ऐसी घातकनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ गई और दूसरा भी T20 का मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया। लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी, क्योंकि यहां पर भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी तो काफी बेहतरीन की लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया। जहां पर एक पल के लिए ऐसा लगा कि अफगानिस्तान की टीम इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी, लेकिन फिर हर्षदीप सिंह, आवेश खान, रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर कहर बरसा दिया और इस मुकाबले को काफी शानदार तरीके से जीत लिया। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाएंगे कि हार के बाद कप्तान के जो है अफगानिस्तान के कप्तान ने भावुक होकर के जो रिंकू सिंह के लिए और विराट कोहली, रोहित शर्मा के लिए भावुक होकर के बयान दिए, उसको सुनने के बाद तो आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करके मैदान पर कहर ढा दिया। तो अगर आप पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला देखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत वर्सेस अफगानिस्तान के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी अफगानिस्तान ने कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता भारतीय टीम को दिया, जहां पर सबसे पहले बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और सुमन गिल गए, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। विराट कोहली ने भी T20 के दूसरे मुकाबले में वापसी करके कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में, लेकिन रोहित शर्मा पहले T20 के मुकाबले में अपनी बेवकूफी के कारण नहीं बल्कि सुमन गिल की बेवकूफी का कारण रन आउट हो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने रन आउट होने का बदला ले लिया। स्टेडियम में हर कोई देख रोहित शर्मा को कांप उठा, क्योंकि रोहित शर्मा गुस्से में खेल रहे थे और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई हैरान था, क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले ओवर में जो है 6 गेंदों पर 4 छक्के जड़ दिए और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर पहले ही ओवर में इतना हाई स्कोर कर दिया कि अफगानिस्तान के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। किंग खान, शाहरुख खान इस मुकाबले को देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि यहां पर रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और सुमन गिल ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। सुमन गिल और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि दो बल्लेबाज हर किसी पर हावी हो गए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। इतनी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाया कि अफगानिस्तान के यहां पर गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहां पर रोहित शर्मा और यहां पर सुमन गिल की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि सुमन गिल भी काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर एक भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया। जी आप सभी को बता दूं कि भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर सुमन गिल को लेकर के काफी बड़ा झटका लग गया, जहां पर सुमन गिल काफी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और 5वें ओवर की 4थी बॉल पर यहां पर अफगानिस्तान के धाकड़ विस्फोटक बॉलर ने जो है सुमन गिल को आउट कर दिया और सुमन गिल पवेलियन का रास्ता देख बैठे। आप सभी को बता दें सुमन गिल जो है स्टंप आउट हो गए, डायरेक्ट बॉल है वो बैट पैर से बीच से निकल कर जो स्टंप में घुस गई, जहां पर सुमन गिल आउट का सामना कर बैठे, लेकिन सुमन गिल ने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और वो काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन सुमन गिल के आउट होते हुए ही मैदान पर सनसनी सी छा गई और अफगानिस्तान के गेंदबाज काफी ज्यादा खुश हुए, लेकिन सुमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली जैसी आंधी आ गई, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान के गेंदबाजों को धोने में। ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे थे, क्योंकि मैं आपको बता दूं पहले T20 के मुकाबले में ये अपनी मर्जी से नहीं आए थे खेलने, इनको कोई काम पड़ गया था, लेकिन दूसरे T20 के मुकाबले में ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया कि ड्रेसिंग रूम में बैठे राहुल, कोच द्रविड़ भी हैरान थे कि आखिरकार इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कैसे कर रहे। विराट कोहली की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर कहर बरसा दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। ये 11वें ओवर की बात है जब विराट कोहली ने 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके जड़ दिए, जहां पर अगर हम बात रोहित शर्मा कप्तान की कदर करें तो कप्तान रोहित शर्मा ने 112 रन की नाबाद पारी खेल डाली और काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया यहां पर 12वें ओवर में, जब हिटमैन रोहित शर्मा कप्तान ही आउट हो गए। आप सभी को बता दें कि कप्तान के आउट होने के बाद यहां पर विराट कोहली का साथ देने के लिए यशस्वी जायसवाल जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आ गए, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। हर एक बल्लेबाज ने बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन दिखाया और
अफगानिस्तान के गेंदबाजों को जमकर रुलाया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर रिंकू सिंह भी कहाँ पीछे रह जाने वाले थे, जहाँ पर रिंकू सिंह ने सबसे ज्यादा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। लेकिन यहाँ पर उससे पहले सुमन गिल और रोहित शर्मा आउट हुए, उसके बाद यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर यहाँ पर विराट कोहली भी थोड़ी देर तक चौंक गए। लेकिन यशस्वी जायसवाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने छक्के चौके से ही बात की। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यशस्वी जायसवाल महज 33 रन बनाकर के आउट हो गए 16वें ओवर में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ महज 4 ओवर रह गए थे जहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए और यहाँ पर विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज, भारतीय टीम का T20 का स्पिनर बल्लेबाज, फिनिशिंग बल्लेबाज, जिसका नाम है आप सभी को बता दें रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर तबाही मचा दी और विराट कोहली के साथ ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डट के बल्लेबाजी करने लगे। यहाँ पर रिंकू सिंह ने आते ही मैदान पर तबाही मचा दी और इस तरीके से घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल घातक से घातक विस्फोटक बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने ऐसी तबाही भरी बल्लेबाजी की कि स्टेडियम में पूरा का पूरा नाम रिंकू सिंह का ही चल रहा था, क्योंकि कोई 112, कोई 33, कोई 51, कोई 12 रन बना करके, कोई 21 रन बना करके भारतीय टीम का बल्लेबाज आउट हुआ। लेकिन ये लास्ट बल्लेबाज था जिसने ऐसी बेहतरीन विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की कि हर किसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर अंकित जो है तिलक वर्मा भी हैरान थे, क्योंकि इन्होंने काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। और इस 18वें ओवर की बात है जब यहां पर रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ दिए और वहां पर रिंकू सिंह ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया, जहां पर युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड टूट गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और जो है महेंद्र सिंह धोनी ने यहां पर रिंकू सिंह को सलाम ठोका, क्योंकि इनकी बेहतरीन बल्लेबाजी ने मैदान पर खूब अच्छा प्रदर्शन दिखाया और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से अफगानिस्तान की गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। 19वें 20वें ओवर में भी काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर भारतीय टीम का स्कोर इतना हाई लेवल पर पहुंच गया जहां पर अगर अफगानिस्तान को 20 ओवर के क्या 40 ओवर भी दे जाएं तब भी वो पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आप सभी को बता दें कि यहां पर अफगानिस्तान के जब बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो भारतीय टीम की तरफ से घातक विस्फोटक स्पिनर गेंदबाज हरसिम सिंह पहला ओवर लेकर आया, जहां पर उन्होंने सिर्फ एक चौका खाया और दूसरा ओवर लेकर के यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाज कुलदीप यादव आए, जहां पर दूसरे ओवर में कुलदीप यादव ने एक विकेट चटका दिया और शुभमन गिल ने भागकर यहां पर कुलदीप यादव को गले लगाया, क्योंकि कुलदीप यादव की काफी कातिलाना विस्फोटक गेंदबाजी वर्ल्ड कप से लेकर यहां तक भी मशहूर है। आप सभी को बता दें कि फिर यहां पर रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने एक एक ओवर डाला जहां पर उन्होंने भी लगभग 4-4, 6-6 रन खाए, जहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर तक अफगानिस्तान के सिर्फ 2 ही विकेट गए थे, लेकिन बल्लेबाजी इतनी ताबड़तोड़ थी कि इसको देखकर आप भी एक बार हैरान हो जाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा लास्ट तक, आप लोग कैसे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां पर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की। 2 घातक विस्फोटक ऐसे बल्लेबाज थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे। लेकिन यहां पर रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल ने काफी कातिलाना विस्फोटक तरीके से गेंदबाजी कराई और उन्हीं बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर हर्षदीप सिंह ने काफी घातक विस्फोटक से गेंदबाजी कराई और यहां पर 12वें ओवर में 1 ओवर में 2 विकेट चटका दिए, जहां पर कुलदीप यादव ने भी काफी कातिलाना विस्फोटक से गेंदबाजी कराई जहां पर उन्होंने 16वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए और एक एक करके अफगानिस्तानियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां पर रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने यहां पर भी विकेट चटकाए और मैं आप सभी को बता दूं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और हर्षदीप सिंह ने 5 विकेट लिए, जहां पर पूरी की पूरी अफगानिस्तान के गेंदबाजों की और बल्लेबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी और 19 ओवर तक सभी को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां पर दूसरा T20 का मुकाबला भी अफगानिस्तान के बल्लेबाज और कप्तान हार गए, जहां पर हारने के बाद भावुक होकर के अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और अच्छी लय में बल्लेबाजी करती है और इस मुकाबला हम हारे हैं अपनी गेंदबाजों की वजह से, क्योंकि हमारे भारतीय अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी नहीं अच्छी थी। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर अफगानिस्तान के जो है कप्तान ने हारकर भावुक होकर के बयान दिया कि भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है लेकिन हम लास्ट मुकाबला जरूर जीत कर दिखाएंगे। लेकिन रिंकू सिंह ने कहा कि आप नहीं जीत पाएंगे, मैदान पर देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। रिंकू सिंह की घातक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर यहां पर हर कोई कांप गया, क्योंकि रिंकू सिंह ही ऐसा बल्लेबाज था जिसने सबसे ज्यादा रन ठोके थे। अगर आप हमारे चैनल पर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।